हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम फूड गैलरी। छोटी भूख के लिए आपको कुछ चटपटा खाना है तो ये स्पेशल रेसिपी सिर्फ आपके लिए है। आज हम बनाएंगे चटपटी सी भेल की रेसिपी और ये एकदम आसान तरीके से बनके तैयार होती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप मुरमुरे का चिवड़ा लिया है। आप नॉर्मल सफ़ेद जो मुरमुरे मिलते हैं उसे भी यूज कर सकते हो। इसमें मैंने डाला है 2 तरह का फरसान, एक हल्दीराम का खट्टा मीठा और दूसरा नॉर्मल तीखा फरसान। थोड़ी मेरे पास बूंदी अवेलेबल थी तो मैंने वो भी डाली है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर और मैंने यहाँ पर हरी प्याज की पत्ती भी डाली है। स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर और मैंने यहाँ पर चाट मसाले का भी इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर कुछ दूसरे टाइप के चिवड़े हो तो वो भी आप इसमें मिला सकते हो। अलग अलग टाइप के फरसान मिलाओ तो भेल का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इसे अच्छे से मिक्स करें। अगर आपके पास हरी चटनी और लाल चटनी नहीं है तो आप सिर्फ नींबू डालकर भी इसे खा सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पर पैकेट वाले जो पानी पूरी का पेस्ट आता है उसका पानी बना कर लिया था। हरा पानी और लाल पानी या मीठा पानी उसे डालकर अच्छे से मिक्स करके लेना है इस तरह से, और प्लेट में सर्व करना है। सर्व करने के बाद इसके ऊपर कंपल्सरी ये बारीक वाली सेव डालनी है, इससे भेल का टेस्ट और टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है। आप चाहे नींबू डालें या हरी चटनी, ऊपर से इसे टोमेटो सॉस से जरूर गार्निश करें, इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। बढ़िया सी स्नैक्स रेसिपी बनके तैयार होती है। इसे टी टाइम स्नैक के तौर पर एंजॉय करें। बच्चों की भी ये फेवरेट रेसिपी होगी, एकदम आसानी से बनती है, कोई मेजरमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। अपने मन के इंग्रेडिएंट इसमें डालने और बढ़िया सी भेल बनके तैयार होती है। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स करना ना भूलिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें होम फूड गैलरी।